आई एम सॉरी यार, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल मेरे साथ भी तो कल शाम को कम नहीं हुई ना, सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। नहीं हमजा, तुम ठीक कहते हो। ससुराल में जितना प्यार और तवज्जो मुझे मिलती है, तुम्हें भी उतनी ही मिलनी चाहिए। नहीं 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 बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारा ही हौसला है जो इतना प्यार और तवज्जो एंजॉय करती हो। जो दादाजी तुम्हारे साथ करते हैं मेरे साथ करें ना, तो मेरा दम ही निकल जाए जो है। अब्बू भी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। कल पूछ रहे थे कि तुम लोग हनीमून पर कहाँ जा रहे हो। टिकट मैं बुक करा देता हूँ। हाँ, इसलिए कि हम बाय एयर ना चले जाएं, खुद कराएंगे टिकट, वो भी ट्रेन की इकोनॉमी की। वैसे हमजा, हम हनीमून पर जाएंगे कहाँ? मुझे ना यूरोप जाने का बहुत शौक है। टाइम क्या हो गया जया, ऑफिस से बड़ा लेट हो गया, और इतना टाइम कैसे लग गया? अच्छा अच्छा मर क्यों रहे हो? शौक ही बताया था, अपना कोई डिमांड तो नहीं की। पता है हमारा इतना बजट नहीं होगा। वैसे कितना होगा हमारा बजट? हम कहाँ जा सकते हैं और कितने दिन के लिए? जो है मुझे लगता है हमें अपनी शादी की तस्वीर ना बड़ी करके यहाँ लगानी चाहिए, कि खूबसूरत लगेगी ना, इस सामने बेड से बिल्कुल नजर पड़ेगी, अच्छी लगेगी ना। अच्छा ना, मैं पूछ रही थी कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे और कितने दिन के लिए। जो है मारी ने कल अच्छा नहीं किया यार, बहुत सदमा पहुंचा मेरे दिल को। अब इस गम की हालत में क्या कोई खाक सोचेगा हनीमून के बारे में? अभी तो सॉरी कह रहे थे कि हाँ, लेकिन सदमा बहुत बड़ा है जोया, वक्त लेगा, रह रह कर याद आता है, रह रह कर ठेस उठती है दिल में। कोई ऐसे करता है दामाद के साथ? अरे